ये जो इस साल रिलीज हुई है और इसने आते ही बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जैसे आप देखेंगे ये अभी नंबर 13 पे है मोस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, और इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है सबसे कम समय में 100 मिलियन क्रॉस करने का। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का स्टोरी इसी चीज पर घूमता रहता है। पूरी मूवी में कोई ना कोई अवेंजर मरता ही रहता है। सबसे पहले लोकी मर जाता है, फिर गमोरा मर जाती है, उसके बाद आधे लोगों को थैनोस गायब कर देता है। और थैनोस का तो एक ही काम है इस पूरी मूवी में, क्या? वो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स जमा करना। दो उसके पास पहले से होते हैं, थॉर मरते मरते बच जाता है। और लास्ट में वो क्या करता है वो पत्थरों को लेकर? बस पॉपुलेशन कंट्रोल। तो थैनोस को अवेंजर्स में नहीं होना चाहिए था, उसको पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड में होना चाहिए था, और उसे ये प्रचार करना चाहिए था बच्चा दो ही अच्छा, यही उसका काम है मूवी में। बस उसे एक सुपर पावर सूट दे दिया और कुछ नहीं। उसके पास एक आर्मर है जिसमें वो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को लगाकर उसकी ताकत इस्तेमाल कर सकता है। इस मूवी में सिर्फ मौत ही मौत है। तो जो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर है ये मूवी मैंने देखी है, और 3D में देखी है और हिंदी में देखी है, तो मुझे डबिंग देखनी पड़ी क्योंकि मेरे हॉल के में जो टिकट्स थी इंग्लिश की वो पूरी सोल्ड आउट हो गई थी उस दिन। हिंदी में मूवी आपको बहुत फनी लगी, जो कि जो डबिंग की है वो टपोरी स्टाइल में की है, और जो रियल मूवी वो बहुत ही सीरियस टोन है। उसके बाद क्योंकि मैंने 3D में देखी तो आधे समय तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सामने ये सब हो रहा है। 3D बहुत अच्छा है आईनॉक्स का, वो मुझे बोलना पड़ेगा। अभी मूवी के स्टोरी पे आते हैं। तो इस मूवी में आयरन मैन है, थॉल्क है, थॉल्क नहीं थॉर है, हल्क है, और गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी है। गार्जियंस नहीं, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, पर उनको खुद को गार्जियंस की ज़रूरत है, वो जैसी हरकतें करते हैं इस मूवी में। इसमें एक इंसान है विजन नाम का, जिसके सर के ऊपर एक इन्फिनिटी स्टोन चिपकाया हुआ है। जैसे इंडिया में हम बिंदी पहन के घूमते हैं औरतें, वैसे ये लोग वहाँ पे एक इन्फिनिटी स्टोन लगा देते हैं। इससे मुझे एक महाभारत की कहानी याद आती है। एक राजा था जिसके सर पे एक पत्थर था, उसमें उसकी सारी ताकतें थी। वो पत्थर ले लेने से उसकी सारी ताकतें चली गई। अगर आपको भी कुछ याद है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नहीं बन पाता है। इस मूवी का सबसे डिसअपॉइंटिंग पार्ट है हल्क। लोग सोचते हैं कि वो हल्क को लड़ाई करते हुए देखेंगे, पर वो कुछ नहीं देख पाते हैं। हल्क सिर्फ एक बार वो ग्रीन रूप में आता है जिसमें उसके पर्पल पैंट्स हो जाते हैं, और उसके बाद पूरी मूवी में इतना डर जाता है थैनोस के कारण कि वो फिर अपना वो ईविल रूप में आ ही नहीं पाता है, कुछ सेल रूप में, भले ही उसे उसकी कितनी ज़रूरत है, जैसे आप अभी क्लिप में देख पाएंगे। उसके बाद हम आते हैं कि अगर कोई पहली बार कोई एवेंजर्स की मूवी देखने जाएगा तो उसे आधे कैरेक्टर्स समझ में ही नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें कहीं मूवी शुरू होती है आयरन मैन से और पहुंच जाती है गार्डन्स ऑफ गैलेक्सी में। तो आपको पूरी मूवी भी देखनी होगी, और मूवी का एंड सबसे डिसअपॉइंटिंग है। अगर आपने मूवी का एंड देखा है और आप एवेंजर्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे डायरेक्टर को क्या हो गया है, उसने एक विलेन को जीतने कैसे दे दिया, मतलब थैनोस वो कैसे कैसे हो सकता है। और आशीष चंचलानी के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अब एवेंजर्स का ये लास्ट मूवी होगा, अगर वो बात सच है तो ये एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एंड होगा। पर मूवी को देख के ऐसा नहीं लगता है कि ये एक एंड है, इसे लगता है कि ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 आने वाला है। अभी तक पार्ट 2 बना नहीं है, और मार्वल्स की टीम को मुझे दाद देनी पड़ेगी, एक मूवी ख़त्म नहीं होती वो अगली मूवी पे काम करना शुरू कर देते हैं। इन्फिनिटी वॉर्स ख़त्म नहीं हुई कि एंट मैन और वॉस्प का ट्रेलर भी आ गया। उसके बाद आ जाती है अगली मूवी जो कि है डेडपूल। वो फॉक्स की मूवी है, पर फिर भी तो एक ही महीने के अंदर इतने सारे सुपर हीरो की मूवीज ये इतना कर कैसे लेते हैं। मतलब DC को देखिए, वो एक मूवी निकालती है
और फिर अगले 2-3 साल तक सिर्फ कचरे निकालते रहती है। डीसी अपने यूनिवर्स को कभी भी ठीक से मर्ज नहीं कर पाता है, जो कि मार्वल्स बहुत अच्छी तरह करता है। जैसे अगर आप कभी देखें, फॉर एग्जाम्पल, जो मूवी थी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस, वो ठीक ठाक थी। फिर एक मूवी आई सुसाइड स्क्वाड, वो फ्लॉप थी। फिर आया वंडर वुमेन, जो कि बहुत ही हिट मूवी थी। उसमें गल गदोत बहुत अच्छी एक्टिंग निभाई थी। उसके बाद आता है जस्टिस लीग, जो कि एक बेकार मूवी थी। किसी भी कैरेक्टर पे ढंग से फोकस नहीं किया है। ऐसा लगता है कि पिक्चर किसी ने रश में बना के ख़त्म कर दी है। 3 साढ़े 3 घंटे की मूवी की स्टोरी थी और उन्होंने उसे 2-2.5 घंटे में ख़त्म कर दिया हो। बहुत ही बेकार मूवी थी। पर मार्वल्स में ऐसा नहीं होता। पर फिर भी अगर आपने बाकी की अवेंजर्स की मूवी देखी है, तो आपको पूरा स्टोरी समझ में आ जाएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। स्पाइडरमैन इसलिए क्योंकि यंग है, ना ना सच बोलूँ, स्पाइडरमैन सबसे पहले आया, इसलिए स्पाइडरमैन मेरा फेवरेट है। और डॉक्टर स्ट्रेंज इसलिए क्योंकि वो जादू कर सकता है। आयरन मैन के पास सिर्फ पैसा और टेक्नोलॉजी है, नहीं तो वो भी कुछ नहीं कर पाता है। इस मूवी में जो 6 पत्थर हैं, वो 6 पत्थर को में से एक है सोल स्टोन। उस स्टोन को लेने के लिए थैनोस को अपनी बेटी को कुर्बान करना पड़ता है। और मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा इसी से जुड़ा हुआ है। जब गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी और एवेंजर्स मिल के जाते हैं थैनोस की वो फिस्ट लेने, तो कल मोरा का जो लवर है वो उसे पूछता है कि तुमने गमोरा के साथ क्या किया है, और वो बोल देता है ये। तो जो स्टार लॉर्ड है इस मूवी में, उसने सबसे बड़ी गलती की, जहाँ तक मुझे लगता है पूरी मूवी में। क्योंकि अगर वो चाहता तो अपने इमोशंस पे हल्का सा कंट्रोल रख लेता और गमोरा का कुर्बानी इसके काम आ जाता। पर नहीं, ये तो बेवकूफ़ है, इमोशंस में बह गया। मतलब कितना बड़ा बेवकूफ़ है, किसने इसको गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी बनाया? ये तो सड़क पे चलने लायक नहीं है, कोई गली में पंगा हो जाए ये हार जाएगा। तो अवेंजर्स एक अच्छी मूवी है, ये तो बस एक रोस्ट है। मूवी बहुत अच्छी है, आप जाके देखें अगर आपके हॉल में लगी है। थैंक यू अगर आपने वीडियो देखा, और लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।